तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द कार गैराज में। आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल न्यू वीडियो। गाड़ी है 2011 मॉडल एम हॉक, जो कि हमारे पास यूपी गोरखपुर से आई है, यूपी 53। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे अंदर और बाहर से पूरी की पूरी S11 में, जिसमें हमने सारे चेंजेस कर दिए हैं। पीछे से डिग्गी लगा दी है, आगे से बोनट, फेंडर, बम्पर वगैरह सारी चीज़ें इसकी चेंज हो चुकी हैं। और अब हमारी गाड़ी जो है पेंट होकर रेडी हो चुकी है। पेंट की फिनिशिंग आपको बाद में दिखाएंगे, अभी इसमें रबिंग होना बाकी है। बाद में इसमें रबिंग होके फिर और ज़्यादा शाइनिंग आएगी। और हमने इस पे जो है पर्ल वाइट कलर किया है, जो कि S11 में आता है। इसके बाद हम इसमें इंटीरियर वर्क भी करेंगे, अंदर बाहर से पूरी की पूरी गाड़ी कंप्लीट S11 बनाएंगे। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां हमारी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाड़ी आपके सामने है, ये हमने कंप्लीट की है। और इसमें जो है हमने फ्रंट में न्यू वाला लोगो लगाया है, पुरानी वाली ही ग्रिल में। फॉग लैंप हो जाते हैं इसमें आपके S11 वाले, हेडलाइट्स हो जाती हैं S11 की प्रॉपर DRL के साथ। और इसमें हमने ABS गार्ड भी लगाया है, आप देख सकते हैं। फेंडर आपको मिल जाते हैं, फेंडर कवर जो कि बंद वाले लगते हैं। साइड मिरर आपके इंडिकेटर वाले हो जाते हैं। साइड लुक दिखाते हैं आपको, जिसमें कि हमने इसमें थार वाले एलॉय व्हील्स डाले हैं और ब्रांड न्यू टायर डाले हैं। दोनों चीज़ें ब्रांड न्यू हमने इसमें डाली हैं। अब पीछे का लुक दिखा देते हैं आपको। हमने इसमें पीछे भी नई वाली लोगो की पट्टी यूज़ की है। डीपलर हमने कस्टमर के कहने पर इसमें क्लासिक वाले डाले हैं। आपको इसमें बैकलाइट मिल जाती हैं S11 वाली प्रॉपर, रियर बम्पर मिल जाता है प्रॉपर S11 वाला, जो कि आपको क्लासिक में भी यही मिलता है सेम। इस साइड से दिखाएंगे आपको। आपको हमारी गाड़ी तैयार की हुई कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जैसी भी लगी हो, अच्छी या कोई भी कमी हो, आप हमें कमेंट कर ज़रूर सजेशन दें। आपके सजेशन पे हम ज़रूर गौर करेंगे और उस चीज़ को अच्छा करेंगे। तो इसमें जो है पूरा का पूरा आपको लुक मिलता है, वो प्रॉपर S11 वाला ही मिलता है। अब आ जाते हैं हम इसके इंटीरियर पर, जिसमें कि हमने इसमें इंटीरियर कस्टमाइज़ किया है। बूट आप इसमें हमने हाइड्रोडिप किया है, एंड्रॉयड फ्रेम मिल जाता है, हाइड्रोडिप स्टेयरिंग का यू मिल जाता है, हाइड्रोडिप और कंसोल का बूट मिल जाता है हाइड्रोडिप आपको। और इसमें डोर पैड जो है उसके ग्रैब हैंडल और ऊपर वाली पट्टी वो भी आपको हाइड्रोडिप मिल जाती है। और इसमें हमने छत जो है वो रूफ रैप की है हमने इसके अंदर, जो कि ब्लैक वेलवेट हमने यूज़ किया है उसके अंदर। पावर विंडो आपको आपके ड्राइवर साइड में मिल जाती हैं, चारों पावर विंडो आप वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में भी आपको पावर विंडो मिलेगी और रियर साइड में भी, रियर में भी दोनों दरवाजे में आपको पावर विंडो मिलेगी, जिसको कि हमने कंप्लीट मतलब जैसा आपको S11 में मिलता है सेम वैसा ही बनाया है। और आपको हमारा काम कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर और एड्रेस हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसमें हमने साथ में ही आपको एंड्रॉयड दिया है 9 इंच का टच स्क्रीन। और सीट कवर मिल जाते हैं आपको फुल बकेट, जो कि आपके चॉइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन और कलर होता है। जैसा कि भी आप डिज़ाइन बनवाना चाहें या कलर करवाना चाहें, सेम वही कलर आपको मिलेगा। डैशबोर्ड भी हमने इसमें रैप किया है, लेदर रैप, जो आप देख सकते हैं। आपको हमारी बनाई हुई गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कोई भी अगर कमी है तो वो भी हमें बताएं, हम उसको आगे ज़रूर सुधारेंगे। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं या जो हमारी वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए।